शिक्षा मंत्री क्या कुछ कह रहे, सीधे आपको लेके चलते हैं। मंत्रालय के उसमें जो हमारा एनटीए है उसको लगातार अभिभावकों का ये दबाव रहा कि छात्र कब तक पढ़ता रहेगा और इसका भविष्य खराब नहीं होना चाहिए, एक वर्ष बर्बाद नहीं होना चाहिए, तो छात्रों का भी ये दो दबाव था और अभिभावकों का भी लगातार जो आग्रह था कि परीक्षा जरूर होनी चाहिए, छात्र का एक वर्ष बर्बाद नहीं होना चाहिए, तो ये हमारे लिए काफी उत्साहजनक रहा और हमको लगा कि अब ये प्रस्तुतियां हैं। और इस बीच कुछ लोग जरूर करके सुप्रीम कोर्ट में गए और मुझे ये भी अच्छा लगा कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से इस सारे प्रकरण को सुना, जिसमें कई प्रकार के तर्क कुतर्क लोगों ने दिए और कहा कि साहब ये नहीं होना चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट ने जो रिट याचिका थी उसको खारिज करते हुए बोला कि हम पाते हैं कि नीट यूजी 2020 के साथ साथ जेईई मेन अप्रैल 2020 परीक्षा से संबंधित प्रश्न में परीक्षा को स्थगित करने के लिए की गई प्रार्थना में कोई औचित्य नहीं है। आखिरकार जीवन जीना है और छात्रों के करियर को लंबे समय तक संकट में नहीं डाला जा सकता है और एक पूर्ण शैक्षणिक वर्ष बर्बाद नहीं किया जा सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय दिया, ये निर्देश दिया और इसलिए छात्रों की, अभिभावकों की और सुप्रीम कोर्ट की, इन तीनों की मंशा को देखते हुए जो हमारे एनटीए है, जो इसकी परीक्षा की संस्था है, उसने ये निर्णय लिया कि अब इन तिथियों में ये परीक्षा होनी है। मुझे इस बात की खुशी है कि जो एनटीए ने मुझे बताया, डीजी ने बताया मुझे जब मैंने जानकारी ली कि कुल जेईई में 8,58,000 इसमें कुल अभ्यर्थी थे और जब इन्होंने इसको पीछे के दिनों में ये तिथि घोषित करके ये कहा कि आप डाउनलोड कर सकते हैं अपना कार्ड, तो 7,50,000 के करीब छात्रों ने डाउनलोड कर दिया। इधर नीट में 24 घंटे के अंदर जो कुल 15,97,000 अभ्यर्थी हैं और 24 घंटे के अंदर अंदर 10 लाख से भी अधिक छात्रों ने डाउनलोड कर दिया, तो मुझे ये जो मेरे को मेल आती थी, एनटीए को मेल आती थी, जो अभिभावकों का और छात्रों का दबाव था कि नहीं होनी चाहिए, ये उसका प्रमाण है कि छात्र हर हालत में चाहता है कि परीक्षा हो। और मुझे लगता है कि छात्र को, क्योंकि हमारे लिए छात्र बहुत महत्वपूर्ण है, पहली बार ऐसा हुआ जब 5 बार केंद्र चेंज हुए, जब उसको लगा कि नहीं ये केंद्र नहीं, साहब हम मुझे ये दे दीजिए। और